पत्ता गोभी को हार्वेस्ट करने से पहले हम उसके हेड को अच्छे से दबा के देखेंगे और फील करेंगे कि वो फर्म या हार्ड है या नहीं। साथ ही उसका साइज भी इतना है कि हम सब्जी को हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो सब्जी को मैंने इस स्टेज पे हार्वेस्ट कर लिया। अब जिस मिट्टी से मैंने पत्ता गोभी को हार्वेस्ट किया है उस मिट्टी को मैं दोबारा से तैयार कर रही हूँ। इसमें मैंने डाला है गाय के गोबर का खाद और थोड़ा सा बोन मील, ताकि मैं मिट्टी को उन न्यूट्रिएंट्स में रिच कर सकूँ जो न्यूट्रिएंट्स पत्ता गोभी ने अपनी ग्रोथ के दौरान लिए हैं। मेरे पास पत्ता गोभी के कुछ सैपलिंग्स हैं जिनको मैंने 8 हफ्ते पहले बीज से उगाया था और अब वो सफिशिएंटली मैच्योर हो चुके हैं, तो इसलिए मैंने उनकी जड़ों को हिलाए बिना मिट्टी से उनको निकाला है और इनको अब मैं ट्रांसप्लांट करूंगी इस मिट्टी में जिसको मैंने अभी अभी तैयार किया था। ट्रांसप्लांट करने के बाद मैं मिट्टी को अच्छे से दबा दूंगी ताकि पौध की जड़ें ना हिलें, और उसके बाद मैं अच्छे से पानी दे दूंगी।